आज की इस चंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में हमारे पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और माननीय विधायक श्री हंसराज जी, डलहौजी के विधायक माननीय श्री डीएस ठाकुर जी, बरमौर के हमारे विधायक डॉक्टर जनकराज जी, हमारे पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री धीरज जी, एसटी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष अनिल जी, हमारे जिला के महामंत्री श्री बरेंद्र जी और मीडिया के प्रभारी श्री शिशु जी। मित्रों, आज हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी का एक वर्ष पूरा हुआ है और कांग्रेस पार्टी अपने एक वर्ष के शासनकाल को जश्न के रूप में मना रही है। पिछले इस एक वर्ष के अंदर और एक वर्ष से पहले हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार प्रदेश की जनता की सेवा में काम कर रही थी। प्रदेश में श्री जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हिमाचल प्रदेश के समुचित विकास के लिए पूरी गति के साथ जब काम कर रही थी तो कांग्रेस के मित्रों को यह लगा कि यह सरकार दोबारा भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल में सत्ता में आ जाएगी, इसको कैसे रोका जाए। और इन्होंने एक अपने पार्टी के स्पेशलिस्ट छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उस समय के भूपेश बघेल जी को हिमाचल का प्रभारी नियुक्त किया और उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता को ठगने के लिए एक झूठी गारंटियों का जाल बुना और उनका कांग्रेस मित्रों का वो प्रयोग बिल्कुल सफल हो गया। अर्थात हम मात्र 36,000 वोटों से सत्ता से बाहर हो गए और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक नारा दिया कि ये परिवर्तन सत्ता का परिवर्तन जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए हुआ है। और हिमाचल को भी लगा कि निश्चित तौर पर अगर इस प्रकार का मुख्यमंत्री ने 10 गारंटियों का जो जुमला और ये इस तरह का उनका शब्द के बाद ये संबोधन की व्यवस्था परिवर्तन, तो उसमें हिमाचल की जनता का और उत्साह बढ़ गया कि कब हमें वो 1500 रुपए की हमारी बहनों को पेंशन मिलेगी, हिमाचल के नौजवानों को 5 लाख ऐसे जो नौकरी की तलाश में उनको नौकरी मिलेगी, हिमाचल के गरीब लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का जो वायदा किया था वो अपने आप में बहुत बड़ा प्रयास इस प्रकार से उनको महसूस हो रहा था, और चाहे वो 2 रुपए गोबर का विषय हो या 100 रुपए किलो बकरी उसका गाय का दूध का विषय हो, ऐसे जो उन्होंने 10 जुमले हिमाचल की जनता को दिए, हमें लगा कि यह सरकार निश्चित तौर पर उस दिशा में काम करेगी। लेकिन वो काम तो करना दूर की बात, सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री सरकारी खजाने पर रोना धोना शुरू कर रहे हैं कि हिमाचल के सरकारी खजाने में है ही कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म कर गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और उन्होंने सबसे पहले काम किया तो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए उस संवैधानिक तौर पर हिमाचल में 6 मुख्य संसदीय सचिव बना दिए जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। जब इससे वो बाहर निकले तो छोटे से हिमाचल प्रदेश में जो उनके यार मित्र सज्जन रहे हैं कभी, उनको एडजस्ट करने के लिए लगभग 1 दर्जन सलाहकारों की फौज नियुक्त कर दी और किसी को भी कैबिनेट मंत्री से नीचे के दर्जे में नहीं रखा। यह व्यवस्था परिवर्तन दूसरा। तीसरा व्यवस्था परिवर्तन कि जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जनता के आग्रह पूर्वक संस्थान खोले गए थे उनमें से 1050 ऐसे सरकारी संस्थानों पर
ताला लगा दिया। यह व्यवस्था परिवर्तन का अगला उदाहरण है। और जब इससे भी चैन नहीं आई तो इस देश और प्रदेश में जो हमारे कोविड के ऐसे कर्मचारी थे जिन्होंने अपनी जान बचाकर हर प्रदेशवासी की जान बचाने का काम किया, और ऐसे उन मित्रों को भारतीय जनता पार्टी ने आउटसोर्सिंग पर सेवा कार्य में रखा था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो चाहे पानी के क्षेत्र में हो। ऐसे लगभग 12,000 से ज्यादा आउटसोर्सिंग कर्मियों को नॉर्थ की नेत्री श्रीमती प्रियंका बडेरा ने हिमाचल में आकर चुनाव में ये प्रदेश की जनता को एक वायदा किया कि अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है तो जो हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में 67,000 पद खाली है उसमें से 33,000 हम और सृजन करेंगे पद, और 1,00,000 नौकरी एक साल में देंगे, 5 साल में 5,00,000, और इसका निर्णय हम पहली कैबिनेट में कर देंगे। मतलब इस प्रकार की झूठी गारंटियां जो हिमाचल प्रदेश की जनता को दी, हमें लगा कि 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 1 साल हो गया है जो नौकरी देने का जो दफ्तर है उसमें अभी भी ताला लगा हुआ। मैं कह सकता हूं ताला इसलिए कि वहां से जो नौजवानों को रोजगार के जो द्वार मिलते थे, जो संभावनाएं मिलती थी, जो रास्ते मिलते थे, अभी तक उस रास्ते में कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। अर्थात 1,00,000 नौकरी के बजाय 12,000 हमारे जो कर्मी थे ऐसे जो बेरोजगार हो गए हैं, जो लोग जो जनता की सेवा में लगे हुए थे, ये कांग्रेस पार्टी का है। अब हमें इस बात की बहुत जिसको कह सकते हैं हैरानी है कि आपने किया क्या है। एक साल में जो आप जश्न मनाने की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है इसलिए जश्न मनाना था, महंगाई का रोना रोते थे कि हमारी सरकार आ गई हम महंगाई दूर करेंगे, आपने आते एक सप्ताह के अंदर 7 रुपए डीजल बढ़ा दिए, उससे सबसे ज्यादा कौन प्रभावित हुए? गरीब प्रभावित हुए। राशन की दुकानों में आज दाल का भाव का पता करिए, कीमतें बढ़ा दी इसलिए जश्न मनाना था, चीनी राशन डिपो से गायब कर दी, तेल का दाम आज आप पूछिए कितना बढ़ गया, ये महंगाई दूर, ये आपने गरीबी दूर की है इसलिए जश्न मना रहे हैं। आज रोजगारी का क्षेत्र में मैंने आपसे चर्चा की है, महंगाई का जिक्र मैं आपके बीच में कर रहा हूं, ये जो स्थिति आज हिमाचल में देखने को मिल रही है, और आज हमारी महिलाओं के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है, कभी हिमाचल के इतिहास में हमें ऐसा नहीं सुना कि किसी हमारी बहन को बाल काटकर मुंह काला कर गांव में घुमाया जाए, इस प्रकार की व्यवस्था का परिवर्तन हिमाचल में हुआ है। आज छोटे से हिमाचल में एक साल के अंदर 67 हत्याएं होगी, चंबा के मनोरकांड से लेकर सिरमौर के ऐसे हत्याकांड तक आज लंबी एक पुस्तक आप लिख सकते हैं। 1715 ऐसे केसेस जो नशे के दर्ज हुए हैं, जिस हिमाचल प्रदेश को एक पर्यटन राज्य के रूप में जाना जाता था आज उस प्रदेश को नशेड़ी राज्य के रूप में लोग बोल रहे हैं, यही व्यवस्था परिवर्तन था आपका। आज हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में कुछ करने की आवश्यकता थी, आपने बाहर से आने वाले पर्यटकों के द्वार बंद कर दिए, आते जाते जो हमारे वाहन थे उन पर इतना आर्थिक जिसको कहते हैं कि टैक्स का बोझ डाल दिया कि वो हिमाचल आना ही बंद कर दे, इससे हिमाचल में पर्यटकों में जो पर्यटकों के क्षेत्र में खुशहाली आएगी। इस प्रकार का जो व्यवस्था परिवर्तन हम एक वर्ष के अंदर देख रहे हैं मित्रों, सीमेंट की दृष्टि से देखो आज सीमेंट का भाव कहां पहुंच गया है, मतलब एक नहीं अनेकों नाकामियां इस कांग्रेस सरकार के एक वर्ष को हमें देखने को मिली है। आज गरीब हमारे जो लोग हैं रजिस्ट्री करना चाहते हैं पूछो स्टाम्प ड्यूटियां कितने की कर दी इनकी, मतलब कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो एक साल में इन्होंने पूरा ना किया। आज भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार के क्षेत्र में कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के अंदर टेंडर में भ्रष्टाचार हो रहा है, तबादलों में भ्रष्टाचार हो रहा है, मुख्यमंत्री कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, कुछ महापूर्व
मुख्यमंत्री कार्यालय में अधिकारियों के विरुद्ध कंपनियों के लेन देन में वीडियो वायरल हुआ था, उसकी जांच का क्या हुआ था? हिमाचल की जनता को कोई जानकारी नहीं मिली है। और इस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार से हुआ है। आज कांग्रेस पार्टी के सांसद के घर में 500 करोड़ रुपए, ये कहां का पैसा था? कांग्रेस पार्टी ने एक टारगेट दिया था कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 26 जनवरी तक जो खुफिया रिपोर्टें आ रही है, जिस प्रकार की चर्चा आ रही है कि 5000 करोड़ का एक लक्ष्य रखा था, जिसमें हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनको लगता कि वहां सरकारें बन जाएगी और इसी ऐसी राज्यों की सरकारों से जो हम पैसा इकट्ठा करेंगे वो 2024 के लोकसभा चुनाव में लगाएंगे। और वो 500 करोड़ रुपए में भी हिमाचल के गरीबों का पैसा, जो हमारे पर टैक्स, जबरदस्ती टैक्स लगाए गए हैं, जो लूट घसूट की है, वो पैसा वहां पर उड़ीसा में जाके पहुंचा है कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के घर में। और जो धीरज साहू राहुल गांधी के साथ मिलकर नारे लगाता कि मोदी चौकीदार चोर है, अब देश की जनता को यह जानकारी हो गई है कि चोर कौन है। कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी अब तक इस पर मुंह नहीं खोल पाई है, लेकिन देश की जनता के बीच में यह पार्टी बेनकाब हो गई है। और मित्रों, ये जो ऐसे इस प्रकार के कृत्य, इस पार्टी का जो कुशासन रहा है एक वर्ष का, उसको लेकर जो आज कांग्रेस पार्टी धर्मशाला में जश्न मना रही है, जो बड़े बड़े वायदे कर रही थी कि 50,000 की भीड़ होगी, 30,000 की भीड़ होगी, आज 10,000 की भीड़ के करीब जो लोग इकट्ठे किए वो कौन है? कर्मचारियों को ढो ढोकर, स्कूल के बच्चों को वहां से इकट्ठा करके ऐसे जश्न मनाने की क्या आवश्यकता थी? आज प्रकृत आपदा से हिमाचल त्रस्त है, लेकिन कांग्रेस की सरकार जश्न में मस्त है। हिमाचल प्रदेश का बेरोजगार अपनी चिंता से ग्रस्त है, हिमाचल की सरकार जश्न मनाने में मस्त है। इस प्रकार का जो हिमाचल सरकार का जो एक साल का कालखंड रहा है, ये बेहद निराशाजनक रहा है। और ये ठग और बेईमान सरकार को, मैं ठग इसलिए कह रहा हूं कि इस पार्टी ने ठगी किया हिमाचल के साथ। इस पार्टी ने युवाओं को ठगा है, इस पार्टी ने महिलाओं को ठगा है, इस पार्टी ने किसानों को ठगा है, इस पार्टी ने हिमाचल के हर वर्ग को ठगा है। और इस ठग सरकार ने एक वर्ष के अंदर जो हिमाचल प्रदेश के अंदर नए दिन नए जन विरोधी निर्णय लिए हैं, इस सरकार को ज्यादा दिन हिमाचल में रहने का कोई हक नहीं है। और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि जिस प्रकार से इस पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर अंतर्कलह मची है, प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं, पार्टी की इनकी अध्यक्षा क्या बोल रही है, इनके सरकार के कुछ मंत्री क्या बोल रहे हैं और कुछ मंत्री क्या बोल रहे हैं, इनका जो आपस में जो असंतोष है, हमें उसकी चिंता नहीं है। इनकी अंतर्कला में हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इससे प्रभावित हिमाचल प्रदेश का विकास प्रभावित हो रहा है। जो विकास का पहिया भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय जो चला हुआ था, वो पहिया एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा है, एक इंच भी आगे खिसका नहीं है, वो पहिया अभी तक जाम है। हमारे सरकार, हमारी पार्टी की सरकार जब थी, जो ठेकेदार उसमें काम कर रहे थे, आज तक एक साल हो गया, उनको उस काम के पैसे तक नहीं मिले। ये कैसी सरकार है? केंद्र की सरकार ने जब जब भी प्रदेश ने चाहा खुल के सहयोग किया। हमें इस बात का फक्र है कि देश में अगर सरकार का मुखिया गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो परिवार के मुखिया हिमाचल प्रदेश से जेपी नड्डा जी हैं। और जेपी नड्डा जी हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हर चीज की चिंता करते हैं। हिमाचल प्रदेश चाहे कांग्रेस की सरकार है, उसके बावजूद भी उन्होंने हिमाचल के विकास में और हिमाचल प्रदेश की हर चिंता में अपने आप को सम्मिलित करने में कभी भी कोई कमी नहीं रखी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बात को भी महसूस नहीं किया, एक शब्द का आभार व्यक्त नहीं कर पाए। इस प्रकार की कांग्रेस पार्टी है, जो मैं आज आपके सामने ये बात रख रहा हूं। और ये आज की ये इनकी जहां रैली में कौन किसने जाना था, किया क्या था इन्होंने, ये लोग उसमें शामिल हो जाए। और ये थोड़े दिन की सरकार है, ये वेंटिलेटर पर कांग्रेस की सरकार है हिमाचल प्रदेश में, कभी भी इस सरकार की मृत्यु हो सकती है, मैं कह रहा हूं। और हिमाचल प्रदेश में
बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा और जो उसमें जो जहां विश्वास जहां हमारे विकास के पहिए रुके उन पहियों को गति मिलेगी तो हिमाचल की जब भाजपा की सरकार आएगी तब मिलेगी। आज की चंबा के जिस प्रकार से मैंने आज इस प्रदर्शन में लोगों का उत्साह देखा है, किस प्रकार से लोगों का इनके सरकार के प्रति गुस्सा है, हमारे ब्रह्मौर से लेकर चुरा तक, बटियात से लेकर हमारे दूसरे डलहौजी के एक एक गांव से लोग इस जनक्रोश इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे और मुझे लगता है कि चंबा में निश्चित तौर पर जो आने वाला हमारा लोकसभा का चुनाव होगा, लोग और ताकत के साथ पहले से भी ज्यादा नरेंद्र भाई मोदी जी को अपना आशीर्वाद देंगे और इस सरकार को उखाड़ कर बाहर फेंकेंगे। मुझे यही आज कुछ विषय थे आज के आक्रोश यात्रा आक्रोश रैली के जो मैंने आपसे साझा किया। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप अपनी बात रख सकते हैं।